हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी। आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे, उन्होंने एक शहीद हेमंत करकरे पे कुछ टिप्पणी की, जिस वजह से उनकी खुद की पार्टी के लोग भी उनसे खफा हो गए और बाकी लोगों में भी बहुत आक्रोश हमको देखने को मिला। इसी टॉपिक को आज हम एनालाइज करेंगे एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी आईक्यू। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। पीडीएफ जितने भी हमारे लेक्चर्स के रहते हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिल जाएंगे। अब देखिए, न्यूज़ में क्यों है उससे बात करने से पहले इस टॉपिक का रेलेवेंस क्या है। देखिए, कभी भी जब हम किसी, देखिए यूपीएससी में तो एथिक्स के हिसाब से इसका रेलेवेंस है। उसके बाद ओपिनियन फॉर्म करना, जब हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों को इंटरव्यूज देने हैं, तो एक ओपिनियन हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो यहाँ पे ओपिनियन फॉर्मेशन में हम इसको उस तरीके से एनालाइज करेंगे कि हम न्यूट्रली इसको कैसे रख सकते हैं किसी के सामने, राइट? तो इस पूरे किस्से को जानते हैं, न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि रिसेंटली, जैसे मैंने आपको बताया कि जो साध्वी प्रज्ञा हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए जिसके लिए हाल ही में उन्होंने वापस माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा टेकिंग बैक हर वर्ड्स, उन्होंने अपने जो शब्द हैं उनको वापस लिया और कहा कि हेमंत करकरे को आतंकवादियों ने मारा था और वो ज़रूर एक शहीद हैं, मार्टियर हैं, राइट? अब देखिए क्या डिसग्रेसफुल कमेंट्स इन्होंने पास किए थे, किस तरह की टिप्पणी इन्होंने की थी। देखिए, जो भी इनका बैकग्राउंड था उसको आगे मैं डिस्कस करूंगी कि हेमंत करकरे के साथ इनका क्या कनेक्शन था। उस कुछ सिलसिले में इन्होंने टिप्पणी कुछ यूं की, इन्होंने कहा कि उनको मैंने श्राप दिया था इसलिए उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मुझे गलत झूठे केस में फंसाया और मेरा श्राप उनको लगा है, कर्ज किया है मैंने उनको, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए वो मर गए, राइट? तो ये चीज़ बहुत ही दुख भरी है कि हमें इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल रही हैं अपने शहीदों के लिए। तो इस बयान का, इसको हर पार्टी ने खारिज किया, इवन कि बीजेपी ने भी कहा ये उनका पर्सनल बयान है, पार्टी ने अपने आप को उनके बयान से अलग बताया। और अब जब साध्वी प्रज्ञा ने माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि ये उनका पर्सनल दर्द था जो इस तरह के वर्ड्स में निकल के सामने आया, लेकिन वो इसके लिए शर्मिंदा है, माफ़ी मांगती हैं। और देखिए, जो पहले इन्होंने टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने मुझे केस में फंसाया तो बाकी लोगों ने उनको कहा कि इसे जाने दीजिए क्योंकि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो करकरे हैं अकॉर्डिंग टू प्रज्ञा, और जो साध्वी प्रज्ञा हैं उनके मुताबिक, उन्होंने कहा कि नहीं, वो इन्हें किसी भी हाल में जेल से जाने नहीं देंगे। तो प्रज्ञा का मानना है कि वो एंटी नेशनल और एंटी रिलीजन थे, जो हेमंत करकरे थे, जो कि एक शहीद है हमारे, 2008 मुंबई ब्लास्ट में वो शहीद हुए थे। अब देखिए, यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह का क्या कनेक्शन है प्रज्ञा ठाकुर का हेमंत करकरे के साथ। ये बात शुरू होती है मालेगांव 2008 ब्लास्ट में। मालेगांव ब्लास्ट के बारे में आपने सुना होगा, तब एटीएस की जो टीम थी वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसको लीड कर रहे थे कौन, हेमंत करकरे। उस केस के चलते साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया था। पहले कुछ और लोगों को पकड़ा गया, लेकिन बाद में एक बाइक मिली थी जो कि बाइक जिस जो प्रज्ञा के नाम पे थी, साध्वी प्रज्ञा के नाम पे थी, उसके चलते इनको अरेस्ट किया गया और फिर जो चार्जशीट है वो पूरी बनाई गई और इनके साथ कुछ और लोगों को भी, तीन और लोगों को भी इस केस के, इस मामले में अरेस्ट किया गया। अब यहाँ पे साध्वी प्रज्ञा का मानना है कि उनको झूठे केस में फंसाया जा रहा है। प्रज्ञा की जो पार्टी है बीजेपी, जिससे बिलोंग करती है, उनका भी यही मानना है कि ये फॉल्स एलिगेशंस हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, एक वर्ड है हिंदू टेरर करके, ये स्पेशली ये जो केस था मालेगांव केस, मालेगांव ब्लास्ट केस 2008, उसके बाद ही मीडिया में हमें ये वर्ड देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिला। अब चलिए इन ब्लास्ट के बारे में देखते हैं। 29 सितंबर वेस्टर्न इंडिया बॉम्बिंग्स इनको बोला जाता है। काफ़ी सारे ब्लास्ट यहाँ पे बॉम्ब्स जो थे वो गिरे थे गुजरात में, महाराष्ट्र में, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई थी इसके चलते। महाराष्ट्र में भी मालेगांव में मुस्लिम एरिया जहाँ पे था वहाँ पे ये ब्लास्ट हुए थे। और यहाँ पे माना गया था कि इनिशियली ऐसा माना गया था कि कोई मुस्लिम ग्रुप होगा जो इसके पीछे होगा। उसके चलते कुछ मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिनको बाद में बेकसूर पाया गया और छोड़ दिया गया। अब देखिए, एटीएस का जो प्रोब था उसमें उनका क्या निष्कर्ष निकला था। एटीएस ने ये पाया था कि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जो जिहादी अटैक्स
हमारी कंट्री में होते हैं उसका एक रिटेलिएशन है हिंदू ग्रुप की तरफ से, जो मालेगांव का ब्लास्ट था 29 सितंबर 2008 को, जहां पे 79 लोग इंजर्ड हो गए थे। और ये ब्लास्ट कहां पे हुआ था, शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके सामने ये ब्लास्ट हुआ था। और ये वो मोटरसाइकिल है LML का, फ्रीडम मोटरसाइकिल, जो साध्वी प्रज्ञा के नाम पे था, जहाँ पे इसके चलते इनको पकड़ा भी गया था। देखिए मीडिया में इस केस के चलते बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी फैलती है, कहीं जगह कहा जाता है कि कुछ केसेस में इनको बरी कर दिया गया है, तो यहाँ पे मैं आपको इस केस के डिटेल में बताऊंगी। देखिए यहाँ पे जो साध्वी प्रज्ञा हैं, इन पे काफी सारे केसेस चल रहे हैं, किसके अंदर, UAPA के अंदर। UAPA क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इससे पहले इनको महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के अंदर इनके ऊपर चार्जेस लगे थे, लेकिन वो फिलहाल ड्रॉप कर दिए गए हैं। अब इन पे जो भी केसेस चल रहे हैं वो UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर चल रहे हैं। उसके बाद देखिए ये ट्रायल जब ATS के बाद निया के पास गया, जो निया का चार्जशीट था वहां पे उन्होंने इनको बेकसूर पाया और कहा कि इनको एक एप्लीकेशन के तहत, बेल के तहत बाहर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस टाइम साध्वी प्रज्ञा बीमार भी थी, हॉस्पिटलाइज भी थी, ब्रेस्ट कैंसर का इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इनको अप्रैल 2017 में जो बेल है वो ग्रांट कर दी है, लेकिन जो केस है वो फिलहाल अभी भी चल रहा है। और अब जो लेटेस्ट इस केस का है वो अक्टूबर 2018 में कोर्ट ने फ्रेम किए हैं चार्जेस अगेंस्ट साध्वी प्रज्ञा और 6 लोग और हैं, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 18। सेक्शन 16 है कमिटिंग अ टेरर एक्ट और सेक्शन 18 है कॉन्स्पायरिंग टू कमिट अ टेरर एक्ट। ये दोनों सेक्शंस UAPA की हैं, इसके अंडर इन पे केस जो है वो चल रहा है, इंडियन पिनल कोड फॉर मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन कम्युनिटीज, यानी दुश्मनी इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है दो कम्युनिटीज, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। और काफ़ी सारे मीडिया हाउसेज हैं जो इस न्यूज़ को प्रॉपरली कवर कर रहे हैं, और डिटेल में मैंने भी इसका टाइमलाइन जो है आपको अभी बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे केस में निकल के कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं इलेक्शंस को लेके, सबसे बड़ी बात, क्योंकि काफ़ी लोग अपोज कर रहे हैं कि अभी इन पे टेररिज्म के इल्ज़ाम लगे हैं, इनको इलेक्शंस में खड़े क्यों होने दिया जा रहा है BJP के द्वारा। और दूसरी तरफ BJP का मानना है कि दूसरी पार्टीज के भी इस तरह के लोग हैं जो कि बेल पे आउट हैं, जैसे राहुल गांधी पे भी कुछ केसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हिपोक्रेसी है वो नहीं होनी चाहिए, जब तक कोर्ट ने किसी को अपराधी घोषित नहीं किया है तब तक उसको इलेक्शन में खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। एक व्यू यहाँ पे निकल के ये आ रहा है कि BJP द्वारा साध्वी प्रज्ञा को अगर टिकट दी गई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो हिंदुत्व जो है उसका नारा लगा रहे हैं, और हिंदू टेरर करके जो कांग्रेस लेड एक पोस्टस्क्रिप्ट नैरेटिव है उसके खिलाफ वोट्स इनको काफी मिल सकते हैं, एक ओपिनियन ये है। दूसरी चीज जो सामने देखने को मिल रही है, जो BJP भी बोल रही है, कि साध्वी प्रज्ञा एक फाइटिंग स्पिरिट ऑफ वुमेन को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ इस तरह के बहुत सारी एट्रोसिटीज हुई हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट दिखाने के लिए उन्होंने, पार्टी ने उनको टिकट दी है। तो इलेक्शंस में हमको इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे सवाल एग्जाम के लिए आपके लिए यह है कि क्या वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर सकती हैं, तो जी बिल्कुल, जो कि सेक्शन 8(3) है आपका, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, उसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति पे प्रूफ नहीं हुआ है कोई ऑफेंस और उसको 2 साल से ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए तभी वो डिसक्वालीफाई होगा कि वो इलेक्शंस नहीं कॉन्टेस्ट कर सकता। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि केस अभी भी कोर्ट पे चल रहा है, इसलिए जो साध्वी प्रज्ञा हैं वो एलिजिबल हैं इलेक्शंस के लिए, राइट। तो ये चीज़ टोटल लीगली, अगर हम लीगली बात करें तो साध्वी प्रज्ञा बिल्कुल एलिजिबल हैं, वो इलेक्शंस में खड़ी हो सकती हैं। अब देखिए इस पूरी बात का हम एनालिसिस करेंगे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्शंस देखिए लीगली साध्वी प्रज्ञा जो हैं वो इलेक्शंस लड़ सकती हैं, लेकिन अगर हम एथिकली बात करें, देखिए किसी पे अगर करप्शन का चार्ज चल रहा है तो ठीक है वो इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी ज़्यादा संगीन मामला है, यहाँ पे टेररिज्म पे बात हो रही है, उन पे टेररिज्म के चार्जेस लगे हैं। और BJP एक ऐसी पार्टी है जो बहुत ही ज़्यादा नेशनलिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, शहीदों के लिए इतना काम किया है, तो इसके चलते यहाँ पे जिस लेडी पे टेररिज्म के चार्जेस लगे हैं उनको इलेक्शन में टिकट देना एक यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हिंदू टेररिज्म की बात की जा रही है, बार बार हिंदू टेररिस्ट बोला जा रहा है। देखिए टेररिज्म के क्या कोई टाइप्स हैं, बहुत पहले वेस्ट अमेरिका हमेशा बोलता था एक गुड
टेररिज्म होता है, एक बैड टेररिज्म होता है, लेकिन इंडिया जो कि टेररिज्म का लगातार शिकार रहता है, वो अमेरिका को समझाने की कोशिश करता था कि टेररिज्म टेररिज्म है, वो गुड या बैड नहीं हो सकता, राइट? और बाद में जब वहाँ पे पेंटागन में आपको पता है अटैक हुआ, उसके बाद अमेरिका को ये बात समझ में आ गई कि गुड और बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, टेररिज्म टेररिज्म होता है। तो यहाँ पे हिंदू या मुस्लिम वर्ड यूज़ करना नहीं चाहिए हमें टेररिज्म के टेररिज्म को बताने के लिए, बिकॉज टेररिज्म टेररिज्म है। और इंडिया में ये जो नैरेटिव आजकल हमको मीडिया में देखने को मिल रहा है, पेपर्स में पढ़ने को मिल रहा है, और लोगों में ये जो परसेप्शन है मुस्लिम टेररिज्म हिंदू टेररिज्म, ये नहीं होना चाहिए, इन वर्ड्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो साध्वी प्रज्ञा ने मार्टियर्स के लिए कहा, यानी स्पेशली हेमंत करकरे के लिए कहा, वो बिल्कुल सबको कंडेम करना चाहिए, चाहे उसके पीछे इनका कोई पर्सनल रीज़न हो या कुछ भी हो। आप इस तरह की इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हमारे देश के जवानों के लिए, जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, और हेमंत करकरे भी उनमें से एक थे। और उसके बाद कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत सारे इस तरह के केसेस होते हैं। अगर हम साध्वी प्रज्ञा की भी बात करें तो हम उनको अपराधी नहीं बोल सकते, क्योंकि कोर्ट का इस तरीके का कोई डिसीजन नहीं आया है, सिर्फ उनके खिलाफ एक केस चल रहा है। बहुत बार हमने देखा, ये सही भी है कि इंडिया में बहुत बार अगर मुस्लिम को जेल में डाल दिया जाता है किसी टेररिज्म के केस में, तो हम उसको मान लेते हैं कि डीम्ड, हाँ ये तो टेररिस्ट होगा, जो कि बहुत गलत है। और बहुत सारे अगर आप केसेस सर्च करेंगे जहाँ पे दो दो तीन तीन साल के बाद प्रूव होता है कि वो इंसान बिल्कुल बेकसूर था, तो यानी 3 साल या 10 साल उसके लाइफ के हमने उसको जेल में रखा ये सोच के कि वो टेररिस्ट है, लेकिन बाद में पता चला कि वो टेररिस्ट नहीं है, तो हमने एक पूरी उसकी जो लाइफ है, क्योंकि टाइम हम किसी को वापस लौटा नहीं सकते, राइट? तो इसलिए जो ये मीडिया ट्रायल पहले चलने लगती है हमारे देश में, कोर्ट ट्रायल अभी होता नहीं है, लेकिन मीडिया पहले सब डिसीजन सुना देते हैं, हम लोग डिसीजन सुना देते हैं, वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली जो साध्वी प्रज्ञा ने यहाँ पे कमेंट्स दिए वो बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, पार्टी ने उनको टिकट दी डिस्पाइट उन पे टेररिज्म के चार्जेस लगे हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई करप्शन का चार्ज भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर टेररिज्म से कंपेयर करें तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, तो उस पर पार्टी को सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको कोई डिसीजन सुनाने से पहले कोर्ट के डिसीजन का वेट करना चाहिए। और इन केस सिर्फ साध्वी प्रज्ञा के केस में नहीं, कोई भी केस हमारा यहाँ पे हो, मीडिया ट्रायल और हमारे डिसीजन सुनाने से पहले हमको कोर्ट का डिसीजन का वेट करना चाहिए। और यहाँ पे जहाँ तक बात रही इलेक्शंस लड़ने की, कि इलेक्शंस में टिकट देनी चाहिए या नहीं, एक ओपिनियन यहाँ पे मैं आपको और बताती हूँ, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, इंडिया जैसी कंट्री में कभी भी कोई भी किसी पे भी केस कर सकता है, तो हमें नहीं पता केस सही है या गलत है। दैट इज़ वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि जब तक कुछ केस प्रूव नहीं हुआ या रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में बहुत ही खूबसूरती से लिखा है कि किस केस में अलाउ नहीं किया जाएगा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे जब तक प्रूफ होता, हो सकता है इंसान गुनहगार हो ना हो, तो हमको हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारी कंट्री में लॉ जो है वो सुप्रीम है और हमें भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब आप इस मामले में क्या सोचते हैं कि क्या इनको इलेक्शन में टिकट दे के बीजेपी ने सही किया या नहीं किया, और इन्होंने जो टिप्पणी दी वो कितनी गलत है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। हाय एवरीवन, दिस इज